दोस्तों जब ईडन गार्डन में लगे कोहली कोहली के नारे, फिर नवीन उलक ने कुछ ऐसा किया कि उनको देख के, उनकी हरकतें देख के फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए और सोशल मीडिया पे लगातार नवीन उलक को ट्रॉल किया जा रहा है। दोस्तों आईपीएल में जो कल का मुकाबला केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो खेला गया, लेकिन दर्शक में से आवाज आ रही थी कोहली कोहली चिल्लाते नजर आ रहे थे वो फैंस का। कोहली कोहली चिल्लाने वाली हरकत लखनऊ के नवीन उलक को चिढ़ाने के मकसद से की गई थी। दूसरे ओवर में जब नवीन गेंदबाजी करने आए तो ईडन गार्डन में मौजूद फैन जोर जोर से कोहली कोहली का नाम चिल्लाने लगे। हालांकि तब तो नवीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब यश ठाकुर ने गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया तो अफगान गेंदबाज ने कोलकाता के फैंस को चुप रहने का इशारा किया। कुछ ऐसा ही इशारा गौतम गंभीर ने बेंगलोर में खेले गए मैच में आरसीबी के फैंस को किया था, जिसका जवाब विराट कोहली ने 1 मई को इकाना स्टेडियम में दिया था। इस मैच के बाद विराट कोहली और गंभीर के बीच जमकर बहस भी हुई थी, जिसमें नवीन उलक तक भी शामिल थे। दोनों टीमों के हाथ मिलाने के दौरान नवीन उलक ने कोहली का हाथ झटक दिया था। इस घटना के बाद से कोहली फैंस नवीन उलक को चिढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। और दोस्तों जो विराट कोहली और नवीन उलक के बीच जो विवाद चला है, इसका आप झलक आप बार बार देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। ये दोनों एक दूसरे के बारे में स्टोरी शेयर करते हैं और अपनी बातें वहां पे रखते हैं। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग वाला मुकाबला है, क्योंकि देखो लखनऊ सुपर जायंट्स तो क्वालिफाई कर गई है, आज आरसीबी का मुकाबला है। अगर आरसीबी जीत जाएगी तो वो भी क्वालिफाई करेगी, और ऐसे कंडीशन में इन दोनों को मैच खेलना पड़ेगा क्वालिफायर में। अब देखते हैं इन दोनों की बातें कब तक ऐसी चलती रहेगी, और नवीन उलक को ये करना चाहिए ये शोभा देता है कि नहीं देता, और गौतम गंभीर का भी उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपका इन सब मैटर में क्या है, क्या नाम है, कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।